भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जून 2022 में यूरोपीय देशों को ऐसा लताड़ा था कि इसकी गूंज अब फरवरी 2023 में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में सुनाई दी है। दरअसल एस जयशंकर ने जून 2022 में यूरोपीय मानसिकता को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। तब उन्होंने कहा था कि यूरोप को उस मानसिकता से बाहर निकलना होगा कि उसकी समस्याएं पूरी दुनिया की समस्याएं हैं, लेकिन दुनिया की समस्या यूरोप की समस्या नहीं है। अब इस पर जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय विदेश मंत्री की बातों में दम तो है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने कहा, Wir tun gut daran, alle Konsequenzen unseres Handelns sorgfältig abzuwägen. यूरोप को इस माइंडसेट से निकलना होगा कि यूरोप की समस्या पूरी दुनिया की समस्या है। म्यूनिख सिक्योरिटी रिपोर्ट में भारत के विदेश मंत्री का यह बयान दर्ज है और उनकी यानी एस जयशंकर की बातों में दम है। अगर ताकत के आधार पर ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध तय होते हैं तो ये सिर्फ यूरोप के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की समस्या होगी। पर जकार्ता, नई दिल्ली, प्रिटोरिया, सेंटियागो दे चिली, ब्राजीलिया, सिंगापुर में क्रेडिबिलिटी बरकरार रखनी है और कुछ हासिल करना है तो हमें सिर्फ अपने हितों से फोकस को आगे ले जाना होगा। हमें इन देशों के हितों और समस्याओं पर एक बुनियादी जरूरत की तरह ध्यान देना होगा ताकि कोई ज्वाइंट एक्शन लिया जा सके। इससे पहले स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में जून 2022 में एक सम्मेलन के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोप को जमकर लताड़ा था। तब यूरोपीय देश लगातार भारत से ये मांग कर रहे थे कि वो यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस के खिलाफ खड़ा हो। यूरोप ने तब तर्क दिया था कि भविष्य में भारत को चीन जैसी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है जिसके लिए उसे वैश्विक समर्थन चाहिए होगा। इसके जवाब में जयशंकर ने कहा, That Europe's problems are the world's problems. मैं एक संघर्ष में शामिल हो जाऊं क्योंकि इससे मुझे दूसरे संघर्ष में मदद मिलेगी। इस प्रकार से दुनिया नहीं चलती है। चीन के साथ हमारी कई समस्याएं हैं जिनका ना ही यूक्रेन से कोई लेना देना है और ना ही रूस से। विदेश मंत्री ने आगे कहा, भारत के चीन के साथ रिश्ते असहज हैं, लेकिन हमें इसको मैनेज करना आता है। बता दें कि म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का एक बड़ा मंच है जहां दुनिया भर के नेता और राजनयिक अहम मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। इसकी शुरुआत 1962 में एक जर्मन सैनिक अधिकारी अवाल्ड फोन क्लाइस ने की थी। इसके बाद सालाना इसे आयोजित किया जाता है जिसमें बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष तक शामिल भी होते हैं। ऐसे में इस बड़े वैश्विक मंच से जर्मनी के चांसलर का भारत को लेकर दिया गया बयान काफी अहम हो जाता है। अब तक इस साल के म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में रूस यूक्रेन युद्ध और चीन भी अहम मुद्दे रहे हैं। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।